नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सीडेंट एनालिसिस उसके बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज के अंदर सब्जेक्ट कोड 201 यानी कि 201 सब्जेक्ट नेम हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड कंट्रोल टेक्निक्स का एग्जामिनेशन में आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का पर्स जो मार्क्स है वो 3 to 5 मार्क्स हो सकता है, और क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट एक्सीडेंट एनालिसिस पूछा जाता है या तो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ए गुड एंड एक्यूरेट एक्सीडेंट रिकॉर्ड इज द फाउंडेशन फॉर ए इफेक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम, हैंस ऑल रिलेवेंट फैक्ट अबाउट एक्सीडेंट एंड इंजुरी शुड बी करेक्टली एंड कंप्लीटली रिकॉर्डेड। यानी कि जब भी आप एक्सीडेंट के बारे में या इंजरी के बारे में एक करेक्टली आपको फैक्ट रिकॉर्ड करना है ताकि कोई भी उसमें मिस ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल डेंजरस अकरेंसेस एंड लॉस्ट टाइम इंजरीज आर ए स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, कोई भी प्लांट के अंदर एक्सीडेंट्स होता है तो उसको हमें अगर 48 आवर्स से ज़्यादा होता है, इंजरी होने के बाद 40 आवर्स हो गया है या 40 आवर्स के ऊपर हो गया टाइम, तो आपको स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेच्यूटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना रहता है, उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और जो एक्सीडेंट्स हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करना है और उसको रिकॉर्डिंग भी करना है। यानी कि उसका नेसेसिटी फॉर्म्स जो है उसको हमें फिलअप करना है। However, it is normally observed that accident causing injury only are investigated by most organization. All dangerous occurrences also should be investigated as such an incident. So something is wrong with the system and hence a potential cause of accidents. Accident investigation is of prime importance इन ए सेफ्टी प्रोग्राम। यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सीडेंट का जो हो रहा है उसको हमें सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, यानी कि प्राइम इम्पोर्टेंस देना है। तो इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल एंड फ्री फ्रॉम पनिशमेंट मोटिव द प्रिंसिपल पर्पज आर। यानी कि हमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए, फैक्चुअल यानी कि फैक्ट मैटर जो है वो हमें बाहर लाना है, और फ्री फ्रॉम पनिशमेंट यानी कि जो भी लोगों के पास से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या किसी का वजह से रीजन की वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हमें कोई पनिशमेंट नहीं देना है, यानी कि फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। और लोगों को इसके बारे में हमें अवेयर करना है और उसको मोटिवेट इस टाइप का करना है ताकि वो लोग हमें फैक्चुअल मैटर बताए ताकि दूसरी बार इस टाइप का एक्सीडेंट ना हो और करेक्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसके अंदर करेक्टली मैटर हो जाए और वो हमें रिकॉर्ड भी करना है। द प्रिंसिपल पर्पजेज आर लाइक टू लर्न द केसेज सो दैट सिमिलर एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड। यानी कि जिस जो केसेस हुआ है उसमें से हमें वो बातें सीखनी है जिसकी वजह से सेम टाइप का एक्सीडेंट दूसरी बार ना हो, इसीलिए हमें उसमें से इस टाइप का एक्सीडेंट में से सीखना है, यानी कि प्रिवेंट करना है। सेकंड इज टू गिव पब्लिसिटी टू द पर्टिकुलर हैजार्ड अमंग एम्प्लॉयज एंड देयर सुपरवाइजर्स एंड टू डायरेक्ट अटेंशन ऑन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। यानी कि जो जो लोग काम कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर उसको हमें पब्लिसिटी करना है कि इस टाइप का एक्सीडेंट अगर होता है तो क्या हो सकता है, पर्टिकुलर हैजार्ड के बारे में हमें सभी एम्प्लॉयज़ को बताना है और उसके अंदर जो सुपरवाइजर्स है उसको बताना है, और डायरेक्टली वहाँ पर जो भी अटेंशन है वहाँ पर तो उसको हमें
बताना है ताकि वो एक्सीडेंट जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेड एज ऑन आफ्टर द एक्सीडेंट इज पॉसिबल, यानी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जब भी हो रहा होता है उसके बाद वहाँ पे दूसरी बार इस टाइप का एक्सीडेंट तुरंत ही ना हो, उसके लिए हमें उसको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है। द सिंस ऑफ द एक्सीडेंट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल द इन्वेस्टिगेशन अराइव ऑन द सीन। ये डिले में परमिट इम्पोर्टेंट एविडेंस टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव। इन्वेस्टिगेशन शुड बी फैक्ट फाइंडिंग एंड नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, यानी कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तभी लोगों को मन में ऐसा होता है कि कुछ फॉल्ट फाइंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें किसी को कुछ पनिशमेंट हो सकता है या तो उसको ऊपर कोई एक्शन आ सकता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ऑलवेज जो है वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए करना चाहिए, नहीं कि फॉल्ट फाइंडिंग, यानी कि किसी का फॉल्ट की वजह से ये हुआ है, वो फॉल्ट फाइंडिंग हमें नहीं करना है बट फैक्ट फाइंडिंग करना है कि किस वजह से हुआ है और आगे इस टाइप का कोई भी एक्सीडेंट या कोई इवेंट ना घटे, इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना रहता है। द पर्सन हु इज असाइन इन्वेस्टिगेशन वर्क शुड हैव ए रेप्यूटेशन फॉर फेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन। हमें इस टाइप का पर्सन को इन्वेस्टिगेशन जॉब के लिए असाइन करना चाहिए जो कि उसका रेपुटेशन अच्छा हो, फेयरनेस हो और उसको इसके बारे में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से उसको जो इन्वेस्टिगेशन है वो फैक्ट फाइंडिंग एंड नॉट फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता है। एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट शुड बी विद द फॉलोइंग एम्स, लाइक ए फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कॉजेज, यानी कि हम एनालिसिस एक्सीडेंट का जब भी रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें इस टाइप का इंसिडेंस जब भी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीज़न था वो हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मेन जो रीज़न है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सेकंड इज टू फाइंड आउट द डिफिशियंसी इन द ऑपरेशन प्रोसेस, यानी कि ऑपरेशन प्रोसेस में कहाँ पे डिफिशियंसी रह गई थी जिसकी वजह से इस टाइप का इवेंट हुआ है। टू फाइंड आउट द अनसेफ प्रैक्टिस दैट नीड टू बी करेक्टेड, यानी कि अनसेफ प्रैक्टिस जहाँ पे हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है और नीड्स टू बी करेक्टेड, यानी कि इसके बाद उसको हमें करेक्ट करना है कि सेकंड टाइम इस टाइप का अनसेफ प्रैक्टिस ना हो। फोर नंबर, टू प्रोवाइड सुपरवाइजर विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल हैजार्ड्स एंड अनसेफ प्रैक्टिसेस इन देयर डिपार्टमेंट, यानी कि जब भी सुपरवाइजर काम कर रहा है जिस टाइप का इंफॉर्मेशन उसके पास है वही टाइप का उसको काम करना चाहिए, और अगर उसको जहाँ काम कर रहा है उसका मेन हैज़र्ड जो है वो नहीं पता है तो उस टाइप का सुपरवाइजर डेफिनेटली एक्सीडेंट को इनवाइट कर सकता है। इसीलिए जब भी कोई भी सुपरवाइजर जॉब पे जा रहा है उसके पास अगर जानकारी नहीं है तो हमें उसको जानकारी सबसे पहले देनी चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे उसको काम करने के लिए भेजना चाहिए ताकि वो अनसेफ प्रैक्टिस ना करे। टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ री एनर्जिंग रिविजन्स, एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हेल्प इन इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द सेफ्टी प्रोग्राम, यानी कि हम लोग जब भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें से हमें सेफ्टी प्रोग्रेस में और आगे जो काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रोग्रेस मिलता है। द इफेक्ट ऑफ वेरियस सेफ्टी मेजर्स नीड फॉर एजुकेशन एंड मेथड्स टू बी एडोप्टेड टू प्रिवेंट अ इंजुरी, यानी कि जिस एक्सीडेंट एनालिसिस जब भी होता है उसमें इन्वेस्टिंग प्रोग्राम से हमें पता चलता है कि किस टाइप का हमें सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस लेना है
और लोगों को उसका ज़रूरी है तो उसको एजुकेट करना है, और किस टाइप का मेथड्स हमें एडॉप्ट करना है ताकि इंजरी प्रिवेंट हो जाए और दूसरी टाइम्स सेकंड टाइम्स कभी भी इस टाइप का एक्सीडेंट ना हो, तो उसके बारे में हमें ख्याल रखना है। थैंक यू दोस्तों।